बिकॉज लेपर्ड्स आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड घोस्ट ट्री। जिनका पैर स्लिप नहीं हो रहा है वो बोले कि उस तरफ से आओ, फिर है ना ये प्लास्टिक वगैरह है ना जो एनवायरमेंट को खराब कर सकते वो पूरा जमा करना है। ये देखो गाइस, जस्ट अभी मैं जागृति नगर मेट्रो स्टेशन पे हूँ और राज भाई भी आ गए। अभी मैं और राज भाई यहाँ से BNHS जा रहे हैं, BNHS सेंटर। ये राज भाई भी आ गए जागृति मेट्रो स्टेशन। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज मैं हूँ मुदस्सर, फिर से एक बार आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज आज सैटरडे है और सुबह के बज रहे 7:30 और मैं अभी खड़ा हूँ डिंडोसी बस डेपो। ये देखो मेरे पीछे दिख रहा है, ये डिंडोसी बस डेपो है और ये डिंडोसी एरिया है जो नेशनल पार्क और जो गोरेगांव फिल्म सिटी उसके बीच में है। तो फॉरेस्ट क्लीनिंग के लिए हम जा रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो को एंड तक देखना और जो भी मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो गाइस BNHS सेंटर एक पार्क जैसा है, पूरी मतलब पूरी फॉरेस्ट एरिया है और बॉम्बे के जो सिटी एरिया है उसके बीच में इतनी बड़ी फॉरेस्ट एरिया आपको फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना और जो भी मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। अभी हम मेरे दोस्त का वेट कर रहे हैं, तो दोस्त आने के बाद हम BNHS सेंटर जाएंगे। 8 बजे तक पहुंचने का है, तो अभी 15 मिनट है हमारे पास। तो प्रसाद फाटम का वेट कर रहे हैं, वो आने के बाद चाय पीएंगे। उधर ब्रेकफास्ट का वगैरह इंतज़ाम किया गया है ना, ब्रेकफास्ट वगैरह है ना वहाँ पर? हाँ ब्रेकफास्ट वगैरह है, ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर हम फॉरेस्ट क्लीनिंग के लिए जाएंगे। थोड़ा बहुत कचरा वगैरह रहता है जो पेड़ पौधों से जो भी पत्ते वगैरह गिर कर ख़राब होते हैं वो सब हम क्लीन करेंगे ताकि दूसरे लोग आए उनको एनवायरमेंट अच्छा मिले। ये देखो मॉर्निंग का नज़ारा गाइस, मुंबई का देखो मॉर्निंग में। बारिश तो नहीं फिलहाल, एक बंदे का वेट कर रहे थे प्रसाद, वो भी आ गया। तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं क्योंकि थोड़ा लेट हुआ, 8 से 8:30 बजे का ब्रेकफास्ट टाइम है। तो जल्दी निकलते हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर जो फॉरेस्ट क्लीनिंग एक्टिविटी है वो हमको करनी है। तो हम जल्दी यहाँ से निकलते, लोकेशन माहिती है ना? क्योंकि लोकेशन पता नहीं, तो यहाँ से अभी 10 मिनट का रास्ता है डायरेक्ट उधर BNHS सेंटर जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे। तो अभी हम डिंडोशी आगार से निकल रहे हैं, सिक्योरिटी चेक होती है वो पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम जस्ट फिल्म सिटी गोरेगांव फिल्म सिटी के गेट के अंदर आ गए, अभी यहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये देखो ये पूरी फॉरेस्ट एरिया है, ये यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है, इधर से हम अंदर जाएंगे। वर्ल्डी वाले हमारे कंपनी वाले सामने ही सब खड़े हैं। तो गाइस चलो जल्दी अंदर चलते, चलो इकड़ना जाऊँ लेफ्ट का राइट? लेफ्ट ला ना, हाँ लेफ्ट ला, हाँ जाए लेके फोर व्हीलर पर गए ना। चलो ये देखो बॉम्बे में गाइस एक गोरेगांव की एरिया है। अगर आपको BNHS सेंटर आना है तो आपको नियरेस्ट स्टेशन गोरेगांव है, गोरेगांव से फिर ऑटो से आना जो गोरेगांव फिल्म सिटी है उसके आगे। देखो कितना बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की सी बारिश लग रही है। ये पूरा दिख रहा है ये आरे का फॉरेस्ट है। जस्ट अभी मैं गेट पे पहुँचा हूँ, ये देखो हमारी कंपनी का CSR एक्टिविटी का बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा। तो ये देखो ये है BNHS सेंटर, ये इधर इस तरफ बटरफ्लाई गार्डन है। मैं आपको आज पूरा जो ये BNHS सेंटर है एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो राज भाई वगैरह गए गाड़ी पार्क करने के लिए, इधर फोर व्हीलर के लिए भी पार्किंग है, ये इधर बाइक पार्क करेंगे और हम अंदर जाएंगे। ये देखो कितना बड़ा फॉरेस्ट एरिया है गाइस, आपने कभी देखे बॉम्बे में गोरेगांव में इतना बड़ा फॉरेस्ट एरिया? ये देखो पार्किंग के लिए कितनी अच्छी जगह है, पार्किंग फ्री है, फर्स्ट टाइम मुंबई पार्किंग फ्री मिल रही है और इतनी अच्छी पार्किंग है। ये देखो बर्ड्स की आवाज आ रही है और कितने सारे बर्ड्स भी है यहाँ पर, हर टाइप के अलग अलग टाइप के बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो आवाज, देखो ये जंगल फॉरेस्ट एरिया में देखो ऐसी बर्ड्स की आवाज जो आती है ना, इतना सुकून लगता है ना सच में। तो जस्ट अभी मैं BNHS सेंटर के अंदर हूँ, इधर रजिस्टर करेंगे अपना नाम वगैरह लिख देंगे। ये देखो इधर ब्रेकफास्ट, पहले ब्रेकफास्ट कर लेंगे BNHS सेंटर में ब्रेकफास्ट। अभी इधर ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, ये देखो ब्रेकफास्ट अभी हम पहुँचे BNHS सेंटर। तो ये है ब्रेकफास्ट, पहले ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री, तीन ग्रुप है अभी क्लीनिंग के लिए। ये हमारा ग्रुप वन,
राजू एक ग्लोव अभी ग्लोव पहनेंगे पीछे पास करो such places to educate people about nature and today I'm with you so we'll try to find some animals and small plants and everything so let's go we'll pass the teen group bane hai abhi hum abhi jungle mein enter kar rahe hai uska galar pouch jo hai throat ke idhar ka wo dekho flutter ho raha hai it's breathing that way ये देखो हम सब अभी अंदर जंगल में जा रहे हैं ये बटरफ्लाई वगैरह इधर बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के बटरफ्लाई भी है अगर दिखे तो आपको भी दिखाऊंगा वो देखो सामने ही स्नेल फ्लाई कर रहे हैं यू सी अ स्नेल सिटिंग ऑन अ लीफ सो दीज आर ऑल फ्रेश वाटर स्नेल्स आगे निकल गया स्लिपरी है पूरा शूज आगे शायद झरना भी है आवाज आ रही है ये देखो कारवी ना हो मस्त है ना लोकेशन दैट इज बारले कौन सा ब्लू अच्छा वो मैडम फोटोग्राफ कर रहे सो डिड यू सी दोस पर्पल फ्लावर्स दैट इज कारवी ओके कारवी डिड दे मेंशन यू बिफोर अबाउट कारवी दैट इट ब्लूम्स Once in 8 years, so last time they were blooming in 2016. So this is 8th year. So that is why you are lucky to come to be having to come here in this year, in this season, in this particular season. Another. Is it in rainy season only? It's only in rainy season. They will die after the rainy season is over. During winter, you cannot see them. And another speciality is the whole jungle, which is connected in Mumbai. All the karvis will bloom in this year only. It won't happen that if you go Borivali, you will see bloom in 2017 and you come here in 2018, you will see bloom here. That is not how it's done. So, the karvi throughout the whole jungle will bloom in 2024 only. But being an apex predator means there is no one above him in this area. Okay? If you go into central India, there are tigers, right? So, in that jungle, tigers are apex predator. But we do not have tigers here. So here apex predator is leopard yeah so apex predators like sitting on a higher ground so they can watch over their jungle like a king yeah leopards in we should not be afraid right now because leopards are active during night leopards are very elusive and shy cats so they don't come near humans they don't attack humans ever but If you see a leopard right now, what would you do? They'll ask for. Yeah, so you have to show yourself big, okay? Leopards and other cats they attack the prey which is below their eye line, okay? So we are above their eye line, we are heighted, right? So you have to show ourselves bigger, so we can raise our hands. If you have something in your hand, raise it. Show it that I'm bigger than you. Don't run away. Don't show it your back. You have to face it and be calm, but show yourself bigger. This does not happen usually. You must have seen the videos of leopard attacks, right? They usually occur during night and on people sitting down. Call suna apne? Loud call suna. Wo tha white throated kingfisher ka. Very common bird again in cities. Mein aap dekh paate ho, but notice nahi karte hum. इंस्ट्रक्शन दिए पूरे जो स्नेक वगैरह जो अगर बाइट करेगा तो क्या करना है तो पैनिक नहीं होना है इधर मतलब उन्होंने पूरी अरेंजमेंट की है एम्बुलेंस वगैरह हॉस्पिटल भी करीबी है सुना दैट वाज एशिप्रिनिया ओके स्मॉल बर्ड इन मराठी इट इज कॉल्ड वटवट्या होस्ट ट्री बिकॉज कैन यू See, spot any difference? Okay, like it's very different, unique from other trees, right? Can you see the bark? You can even touch it. It's very soft. This tree changes color according to the season. Right now, you see it's reddish orange, right? Once the monsoon is over, it will turn white during winter.
and then it will turn yellow during summer. So that is why this is called ghost tree. What happens during wintry nights, that there, when there is a full moon, I told you that this changes color and it's white during winter. So during full moon, the light reflects or bounces off it during night, unlike any other tree. So if you see from a distance, this tree will be glowing during night. That is why it looks like someone standing, some chudel or something standing in jungle, and it's glowing. So that is why this is called ghost tree. Okay, hear this call? Did you hear? That is red whiskered bulbul. Okay, if anybody can note down the names, then you can go home and Google, because we cannot see any birds because of the thick canopy, right? So you can just Google them. They are very beautiful birds. We have many birds here. This is red whiskered bulbul. ऐसे कैसा रहता है? झुक कर जाना है. राजू, संभाल कर हाँ. A grass yellow butterfly, small one. Yeah. Flowers. Don't pluck it, because flowers are sexual reproductive parts of plants, and carvies are getting one chance in 8 years, so we should not disturb them. Very small. Owl ka awaaz aa raha hai, owlet ka. ऐसे फॉरेस्ट में आए ना तो आवाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बर्ड्स वगैरह रहते हैं ना, उनको डिस्टर्ब होता है. इसलिए देखो पूरे जो साइलेंट एकदम चल रहे, आपको भी सुनाई देता रहेगा बर्ड्स की आवाज. On योर लेफ्ट साइड यू कैन सी दिस ferns. And you see fern, very delicate ferns, which grow only in monsoon. These are called maiden's braid. Braid means choti. Yeah. चले ना. फंगस. चलिए अंदर चलते हैं. कप मशरूम. ये हेल्थ के लिए बहुत डेंजर रहते हैं देखो. Can you see that small blue flower? इधर जो चप्पल की डाली वगैरह है वो भी जमा करेंगे आगे. जो भी कचरा है गार्बेज बैग में. जंगल में आए तो ज़रा संभाल कर चलना पड़ता है, क्योंकि जो हमको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे उसमें बता रहे थे कि जंगल में सांप वगैरह है, तो किधर हाथ डालेंगे कुछ भी कचरा. जो अच्छे से चल सकते हैं बिना फिसले, वो इनके पीछे जाएंगे. टेक फ्लाई का फीमेल था ये. मराठी मध्ये चांदवा म्हणतात याला. सो सम बटरफ्लाईज आर सेक्शुअली डायमॉर्फिक, मीनिंग दे लुक डिफरंट मेल अँड फीमेल. इन दिस मेल फीमेल लुक्स डिफरंट. या सो इफ यू सी फ्रॉम सम अँगल यू विल सी जस्ट व्हाइट, एंड यू सी व्हाइट स्पॉट, एंड इफ यू सी इट यू विल सी ब्लू फ्रॉम अनदर अँगल. सो दे हैव स्मॉल स्केल्स which reflect light depending on angle. So from which angle you see, that is how they reflect light. In males, you can see blue spots from outside also. Okay. But here there are no spots. Did you close it? Yeah. ये मर गया है, खत्म हो गया क्या? हाँ. नहीं तो मैं नहीं पकड़ता ना. सब जो फिसल नहीं सकते वो वहाँ से जाओ, बाकी सब मैं जाऊँ पीछे आऊँ. हम इधर से जाएंगे, इधर से लुक अच्छा दिख रहा है ना. जाएंगे इधर से लुक अच्छा दिख रहा है. हाँ चलो. हाँ नहीं नहीं जाएंगे ना, इधर से संभाल कर जाएंगे. चलो. हाँ नहीं मैं आप तो गिर जाओ क्या भैया. सब डर के आगे जीत है. आ जाओ. कॉन्फिडेंस नहीं है तो यहाँ से आना. संभाल कर आओ. कह रहा हूँ गिर जाओ. इधर पैर स्लिप होता है. इकड़ना क्या कचरा क्या. हाँ नहीं इकड़न सही. हाउ टू क्लीन इट अप. इकड़ना कचरा जो प्लास्टिक दिख रहा है ये छोटा छोटा सब. लेकिन ये पत्थर गीले है. हाँ जरा संभाल कर. पत्थर गीले है, पैर स्लिप हो सकता है उधर. ये देखो कैसा है रास्ता.
वो राज भाई वगैरह उधर से आ रहे, जिनका पैर स्लिप नहीं हो रहा है वो बोले कि उस तरफ से आओ, जिसका पैर क्योंकि शूज के ऊपर डिपेंड है। ह्यूमंस ये देखो कचरा जमा कर रहे इधर, वी ह्यूमंस डू दिस। चलो कम कम या फ्रॉम यू, वो अंकिता ने काय काय जमा करायचा आहे द्या इथे पण आहे तर काका बाटले उचलता, इथे दोन बाटले आहेत घ्या। चीयर्स। ये जो जो प्लास्टिक वगैरह है ना, जो मतलब ये दिख रहा है ना, ये प्लास्टिक वगैरह है ना जो एनवायरमेंट को खराब कर सकते हैं, वो पूरा जमा करना है। सावकाश या सावकाश, रॉक्स पे गिर जाओगे आराम से आना। ये किधर से आ गई भाई? राजू उस तरफ देखना, प्लास्टिक वगैरह रहेगा, प्लास्टिक जो भी रहेगा। हाँ केकड़ा नहीं, फ्रेश वाटर, केकड़ा मत उठाओ। हाँ केकड़ा मत उठाओ। ऐसा उधर प्लास्टिक की ये थी बैग वगैरह, उठा लिया मैंने वो। हाँ वो हाँ तेंचा सरंजाम आगे चला, ऐसा हमको सर दाको इस तरफ से क्लीन कर चला, पर जाना है क्लीन करते करते चलो, आराम से चलो, नीचे देख के क्लाइमेट है, चल जाओगे। और हल्की सी धूप है यार सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो गेचा ना टाका ना, तो बिस्कुट कुठे गेली? क्या मस्त है, ये देखो जबरदस्त दिख रहा है। ये देखो कैसा है, ये देख के क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि कुछ कुछ पत्थर है ना हिर रहे। खालू नहीं है, खालू इकड़ना हे पड़े इकड़ना है ना। हाँ इतना इकड़े उड़ी मारा मधे ये देखो, वो स्लिपरी है ये रास्ते ना, इसलिए प्रॉब्लम होता है। चलो अरे हा बघा कप, कप कोणी ठेवला इथे घ्या ना नहीं वरतून येऊया ना। हा वेगळा थिंग, बहुत टाइप के अलग अलग बर्ड्स आहे लेकिन वो दिख नहीं रहे क्योंकि बारिश की वजह से जंगल पूरा घना हुआ है, उसकी वजह से दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको आवाज सुनाई दे रहे होंगे बर्ड्स के। जो बर्ड्स देखो हल्की हल्की सी आवाज आ रही है बर्ड्स की। हम 8:15 तक BNHS सेंटर पहुंचे थे, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने तक हमको 8:30 बज गए। फिर हमको उधर से थोड़ी इंस्ट्रक्शन दिए, जो हम अभी जंगल में घूमेंगे, जो भी कचरा वगैरह उठाएंगे, तो जो ग्लोव्स वगैरह तो हमको दिए इधर से, और गार्बेज बैग भी है साथ में, तो ग्लोव्स जो भी कचरा है वो उठाते थे, मगर जो सांप वगैरह कुछ भी बिच्छू वगैरह रहेंगे क्योंकि बारिश का टाइम है इतने घने जंगल में, तो लाजिम है सांप वगैरह रहेंगे। और वो रहे कि बहुत टाइप के अलग अलग जहरीले सांप इस जंगल में है, तो जो भी कचरा उठाते टाइम संभाल कर उठाना, अगर बाई चांस अगर सांप वगैरह बाइट कर रहे, और हॉस्पिटल वगैरह बहुत ही करीब है। ये देखो इधर इधर देखो कितना कचरा है सट। गाइज आप अगर ऐसे जगह पर जाएंगे ना, तो प्लीज़ मेहरबानी करके कचरा ना करें। जो भी पानी की बोतल वगैरह रहेंगी, जो भी खाने की चीज़ें रहेंगे, जो भी आप खाएंगे, जो भी उसका कचरा ऊपर ऊपर मकैक्स देख लो, मकैक्स बैग रही थी उसमें कैरी करो, और बाद में जब आपको डस्टबिन मिलेगा उसमें आप फेंक दे, क्योंकि ऐसे जो इन्वायरमेंट है उससे जो कचरा करेंगे आप उससे इन्वायरमेंट पूरा ख़राब हो सकता है। उनका नाम क्या है? ऊपर ऊपर मकैक्स देखो किधर है, क्लियर है? हाँ 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 राजू जा, तू पण घेऊन येते थर्माकोल, पाण्यामधून जा, फोन करू। हाँ प्रसाद, पण सावकाश का होत, पाय स्लीप होईल प्रसाद। इथे पण आहे, इथे पण आहे एक प्लास्टिक,
ये देखो कितना कचरा है, देखो उस तरफ पूरा थर्माकोल पानी की बोतल वगैरह, ये देखो इधर भी प्रसाद पानी की बोतल वो अभी जमा कर रहा है। ये देखो आगे देखो कैसा रास्ता है पानी के बीच में से। गाइज ये मुंबई में जो गोरेगांव फिल्म सिटी है उसके अंदर ही है BNHS सेंटर, आप इधर आ सकते हो घूमने के लिए। तो गेट उगड़ा बरड गेट ने आ जाए, आराम से आगे बढ़ो। जंगल में से कितना कचरा जमा करके लाए, ये देखो कचरा दिखाओ कितना है, ये देखो इतना और भी है। तो गाइस अगर ऐसी जगह पर जाएंगे ना तो कचरा मत करो, जो भी पानी की बोतल वगैरह रहेंगे तो अपने साथ कैरी करो, जो भी डस्टबिन दिखेंगे उसमें बाद में फेंक दो, जंगल में मत फेंको। उसको ले लो आप, उसको ले लो, इसको ले लो आप। इधर अभी एक ग्रुप पिक निकालेंगे, सब जमा हुए ग्रुप, एक नंबर ग्रुप है हमारा ये, अभी इधर एक ग्रुप फोटो निकालेंगे सबके साथ जो कचरा जमा करके लाए थे वो अभी जो उधर कचरे की गाड़ी रुके उधर फेंकने को गए। ये पूरा जंगल एक्सप्लोर करते हुए इधर तक आए रोड पे, ये दूसरा गेट है शायद, ये देखो इधर से रास्ता भी है कोरेगांव, अच्छा ये रास्ता, हाँ ये नेशनल पार्क, एवढी माणसं असल्यावर नाही का उधर जाता बोरिवली, आवाज थोड़ा जरी आवाज झाला तरी थांबते बिबट्या। यस नाही, व्हाट दे डू इज दे प्रेफर ईटिंग फेरल डॉग्स, देखो बिबट्याचा गज इज डिफिकल्ट टू कैच अ डियर, अभी अंदर जा रहे राइट इधर, इट इज व्हाई दे कम आउट ऑफ द जंगल ईट अ डॉग एंड कम बैक। फ्लावर्स आर मिकी माउस फ्लावर्स, ओके ये छोटे ब्लू फ्लावर्स जो नीचे है नीचे वो है मिकी माउस फ्लावर, मिकी माउस के दो कान जैसे होते हैं ना वैसे उसके पेटल्स है, तो देखना यहाँ आके। ये देखो ये जो बोल रहे ना जो मंकी के कान रहे थे ना वैसे है ये फ्लावर, टेलर बर्ड, बड़ा आवाज आ रहा है ये वाला, इसका नाम है टेलर बर्ड, मराठी मध्ये शिंपी पक्षी, पता है ना शिंपी पक्षी क्यों कहते हैं शिंपी उसे, हाँ वो टेलर मतलब जो स्टिच करता है ना, जब टेलर बर्ड नेस्ट बनाता है ना तो वो 4 या 5 फीट की हाइट पे बनाता है, और उस वो जो वो प्लांट पे जो जो प्लांट पे अपने नेस्ट बनाएगा उस प्लांट के पत्ते ऐसे फोल्ड करता है, दो पत्ते फोल्ड करके उसे स्टिच कर देता है साइड से स्टिच कर देता है, तो ऐसा कप बन जाता है, इसलिए उसे टेलर बर्ड कहते हैं, फिर उसके अंदर अपना नेस्ट बनाता है, इसे कहते हैं कैटिटिड। ओके दिख रहा है ये पत्ते पे बैठा है बड़ा, कैटिटिड कैटिटिड रिलेटेड टू लोकस्ट, ग्रास हॉपर से रिलेटेड है बट इसे कैटिटिड कहते हैं। बारिश की वजह से जंगल पूरा घना हुआ है क्योंकि बारिश में पेड़ पौधों को पानी मिलते रहता ना तो डहलियां वगैरह निकलते रहते, बराबर ना दोनों साइड सेम। कॉमन क्रो बटरफ्लाई का विंग है, इसे टच करो तो हाथ में ऐसा कुछ पाउडर जैसा लग जाता है, हां दैट दोज आर एक्चुअली स्केल्स होते हैं वो छोटे छोटे। ये है हिल टर्मरिक, ओके हिल टर्मरिक और इरांथेमम, कौन से वाले, ये छोटे वाली है, अच्छा ये दिख रहा है ना, ये सब ये सारी हल्दी है हिल टर्मरिक, इसके अभी फ्लावर पिछले महीने आए थे, अभी अगर कुछ बचे हैं तो दिख जाएंगे। ग्राउंड के नीचे आती है इसकी टर्मरिक, यहाँ पे वाइल्ड बोर्स भी है, वाइल्ड बोर मतलब सुअर, जंगली सुअर, तो वो ये सब खोद के खाते हैं नीचे से, तो अभी इनमें फ्लावर आए नहीं है शायद तो बचे। ये देखो चारों ओर घना जंगल और बीच में से हम निकल रहे हैं। अनदर मॉथ का कैटरपिलर देखो नीचे दिखा पत्ते के, ये वाला ऐसा लग रहा है ना कोई ट्विग है स्टिक है कोई, इट्स वेरी वेल कैमोफ्लाज, देखो बटरफ्लाई गार्डन है, हम जा रहे इधर बटरफ्लाई गार्डन में, आ रहे हो
फर्स्ट लेट्स सी दिस, ये पता है आपको क्या है? इसे कहते हैं वुडी क्लाइंबर्स, ओके, वुडी क्लाइंबर्स और लायनास। अगर ये किसी जंगल में प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि जंगल हेल्दी है, ठीक है। वन थिंग स्पेशलिटी अबाउट दिस, इसका जो ओरिजिन है आप ढूंढ नहीं पाओगे, इसका ओरिजिन कहाँ है। ये ऐसी फैली हुई रहती है, दूसरे के ऊपर सपोर्ट लेके चढ़ती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ट्विस्ट कर देती है, वहाँ देखो आप। एंड जैसे वो बढ़ती है वैसे टाइट टाइट होते जाता है, तो जो बीच वाला प्लांट है जिसपे वो चढ़ी है वो मर सकता है। तो इन्हें स्ट्रैंगलर्स भी कहते हैं, स्ट्रैंगलर्स भी कहते हैं। प्रीडेटर नहीं, वो न्यूट्रिशन नहीं ले रही उससे, न्यूट्रिशन जमीन से ही ले रही है, बस सपोर्ट के लिए चढ़ रही है और स्ट्रैंगल करती जाती है, जैसे बढ़ेगी वो टाइट टाइट होते जाएगी। तो बीच वाला प्लांट कभी कभी मर सकता है। हाँ, फॉर द होस्ट ट्री इट इज नॉट गुड। जरा आगे आइए, एक स्पाइडर है यहाँ पे, आई विल शो यू। मेरे टिप पे देखना उंगली के, ये देखो, अपने आईज को फोकस करो, तो पीछे से फोकस फोकस पास पे आना, इधर देखो, दिख रहा है? ये अभी सीजन शुरू हो रहा है इनका, इनका नाम है जायंट वुड स्पाइडर। इससे डबल साइज होगी, डबल ट्रिपल साइज होगी, ठीक है। एंड दिस इज अ फीमेल, आई विल टेल यू स्टोरी अबाउट स्पाइडर्स। स्पाइडर्स में क्या होता है, फीमेल्स बड़ी होती है साइज में एंड मेल्स साइज में छोटे होते हैं। वेब जो बनाती है वो फीमेल बनाती है, ओके, एंड जो मेल्स होते हैं वो कभी कभी फीमेल के वेब पे आते हैं। क्या करने के लिए आएंगे, गेस करो, मेटिंग, ओके। सो अगर फीमेल से मेट करना है मेल को, मेल छोटा है फीमेल बड़ी है, समझ रहे हो, अगर फीमेल से मेट करना है तो उसे कुछ गिफ्ट देना पड़ता है या उसके लिए डांस करना पड़ता है मेल को, ठीक है, नाचेगा, कुछ खिलाएगा। अगर फीमेल को पसंद नहीं आया या फिर उसका मूड नहीं है, शी कैन रिजेक्ट, वो तो है ही, बट शी विल ईट द मेल, ओके। और फीमेल है, मादा है, तो दिमाग से ही शुरुआत करती है, सर खाने का आदत होता है ना। तो दूसरा सिनेरियो सुन लो, अगर उसको पसंद आ गया, अगर मेल का लक अच्छा है तो वो मेट करने देगी उसे, ठीक है, और मेट करने के बाद खा लेगी। सो मरना तय है। सो दिस इज स्टोरी ऑफ मेन्स लाइफ, मरना तो है ही, पर मरने से पहले कुछ अच्छा मिल जाए। इनका नाम था क्या, जायंट वुड स्पाइडर्स। ये देखो, जो अभी जो स्पाइडर की कहानी बोले ना, वो ये फोकस ही नहीं करेगा, वो कैमरा ही फोकस नहीं करेगा। दिख रहा है क्या आपको कैमरा में, अभी जूम करो और उस पर टच करो, देखे कितने डेंजर रहते हैं स्पाइडर। गाइस, इस तरफ है बटरफ्लाई गार्डन, हम यही गेट से अंदर गए थे सामने से, ये देखो इस तरफ है BNHS बटरफ्लाई गार्डन। आगे सब आपको पता है बटरफ्लाई गार्डन क्या होता है, गार्डन जिसमें बटरफ्लाई हो, बट हम बटरफ्लाई को पकड़ के थोड़ी ला सकते हैं, कैसे आएंगे बटरफ्लाइज। सो वी हैव टू प्लांट सच प्लांट्स दैट बटरफ्लाइज कैन बी अट्रैक्टेड, ओके। बटरफ्लाइज क्या खाती है, नेक्टर, तो हमने बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हैं जो बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करेंगे। ये देखो पर्पल कलर का फ्लावर दिख रहा है, छोटा छोटा, दैट इज कॉल्ड जमैकन स्पाइक, ओके। जमैकन स्पाइक क्यों लगाया है, क्योंकि उसके फ्लावर्स छोटे छोटे हैं, तो हर छोटी बड़ी हर बटरफ्लाई आके उससे नेक्टर ले सकती है। अगर फ्लावर बड़ा है तो उसका नेक्टर बहुत डीप होता है, तो हर बटरफ्लाई पहुंच नहीं पाती उसके तक, तो अगर फ्लावर छोटा है तो सब पहुंच पाएंगे, सही है। दैट इज कॉमन क्रो बटरफ्लाई, देखो कितना बड़ा है, और बटरफ्लाईज को धूप पसंद है, हाँ, हमारे जैसे उनका खून गर्म नहीं होता, उनका खून होता है ठंडा, तो अगर धूप नहीं है वो अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ा नहीं पाती और एक्टिविटी कर नहीं पाती। रात में बॉडी टेम्परेचर गिर जाता है ना, तो दिन में उन्हें पहले कुछ उड़ने से, खाना ढूंढने से पहले उन्हें अपना बॉडी टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, तो वो जाके सूरज में बैठ जाती है। तो अभी तो लेट हो गया है, तो अभी उनका बैठने का समय खत्म हो गया, अभी वो खाना ढूंढ रही है। So we'll go inside and try to find caterpillars, pupas, we'll see. ये देखो ये butterfly का bag रखने जा रहे हैं, enter हो रहे हैं।
बटरफ्लाई का लाइफ डिपेंड करता है उसको कब ब्रीडिंग करने मिल रहा है। उसका पर्पस है कि ब्रीडिंग करके अपना प्रोजेनी आगे बढ़ाना और फिर मर सकता है, तो इसके लिए एक साल का टाइम भी लग सकता है। और अगर मानसून के पहले शुरुआत में जून जुलाई में वो पैदा हुआ है तो मानसून के एंड तक वो ब्रीडिंग करके मर भी सकता है। अगर मानसून के एंड में विंटर में पैदा हो रहा है तो अगले साल के मानसून का वेट करेगा, तब तक अगर ब्रीडिंग करने मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ऐसे ही रहेगा। आपको कुछ ऐसे लटक रहा है, दैट इज अ नेस्ट ऑफ सनबर्ड, ओके। उसमें फीमेल बैठी हुई है, दिख रही है, फेस बाहर निकाला है फीमेल ने और अंडे के ऊपर बैठी है, दिख रहा है? आप कहाँ ढूंढ रहे हो? ये जो पेड़ है इसके ऊपर कुछ लटक रहा है, देखो। हाँ, वहां में फीमेल का फेस भी दिख रहा है, देखो। आई टेल यू हाउ आई नो इट्स अ फीमेल, बिकॉज दैट स्पीसीज इज कॉल्ड पर्पल रम्प सनबर्ड, ओके। रम्प मतलब ये पार्ट होता है बर्ड का, वो पर्पल कलर का है। एंड गई बाहर निकली ना, वो डिस्टर्ब हो गई, इतना आवाज करते हैं लोग। नॉट से जस्ट बर्ड्स, सारे ही जानवरों में मेल्स ज्यादा सुंदर होते हैं। कैटरपिलर देखो कैसे बैठे है, कितने कलरफुल है, वो शेप बना के बैठे है दोनों। फ्रूट पियर्सिंग मॉथ, वो फ्रूट में छेद करके उसका रस लेता है मॉथ, जो बड़ा हो जाता है, ये उसके कैटरपिलर है, बच्चे है ये। ये मौत देखो, ये जो उड़ रहा है ना फास्ट, विंग्स भी नहीं दिख रहे उसके, इसका नाम है क्लियर विंग हमिंग बर्ड मौत, ठीक है, बटरफ्लाई नहीं है, मौत है, बहुत कम दिखता है, रेयर है। तो देखो उसके विंग्स दिख भी नहीं रहे, इतना फास्ट है, बैठने पर भी वो विंग्स फ्लटरिंग बंद नहीं करता। कमांडर नाम का बटरफ्लाई है, इसी पे अंडे देता है और इसी पे प्यूपा बनाया है। देखो लीव्स का नहीं है वो, उसके बॉडी है वो। प्यूपा स्टेज में वो हिलते डुलते नहीं है 15-20 दिन तक, अंदर पूरा मेल्ट होता है उनका बॉडी और एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनता है प्यूपा के अंदर। सो इस टाइम पे वो कोई भी इसे आके खा सकता है ना, तो उन्हें छुप के रहना है। तो देखो ये कैसा बना है, सूखा हुआ पत्ता लग रहा है, बट दैट इज एक्चुअली अ लाइव प्यूपा। ये देखो ये ब्राउन वाला जो लटका है नीचे, दिख रहा है? कैटरपिलर्स भी होंगी। हर इंसेक्ट का खुद को बचाने का तरीका अलग है। जैसे मैंने ये बटरफ्लाई का प्यूपा दिखाया, ये कैमोफ्लाज्ड है अपने एनवायरमेंट से, ड्राइड लीफ लग रहा है। यहाँ पे देखो ये है मौत का ककून, उसके ऊपर सिल्क का कवरिंग बना है, देखो ये, और पत्ते के नीचे, तो कोई देख नहीं पा रहा, तो कोई इसे खाएगा नहीं। ड्रैगन फ्लाई की तरह, ड्रैगन फ्लाई की सिस्टर स्पीसीज है ये, डैमजिल फ्लाई, ये जो बैठी है ना, डैमजिल मतलब डेलिकेट। ये देखो उसके विंग्स भी नहीं दिख रहे। तो इन्होंने कुछ अच्छा स्पॉट किया, फोटो दिखाओ सबको। दैट इज कॉमन मॉर्मोन बटरफ्लाई का कैटरपिलर, कड़ी पत्ता पे अंडा देता है। That is a caterpillar of a butterfly named common mormon. Weaver जिसे सुगरन कहते हैं, ब्रीडिंग सीजन आते ही मेल्स ब्राइट येलो कलर का क्राउन आता है उन्हें, और मेल्स अपना नेस्ट बनाना शुरुआत करते हैं। फीमेल का काम क्या है, नेस्ट आधा बन गया ना, तो फीमेल जाके चेक करती है उसके, उसमें बैठ के उसे कंफर्टेबल लग रहा है क्या। अगर घर घर अच्छा है तो वो मेल को सिलेक्ट करेगी, ओके, ठीक है। हाँ, अगर नहीं हुआ तो वो दूसरे तरफ जाएगी, तो मेल को समझ रहा है कि अपना नेस्ट कोई फीमेल सिलेक्ट ही नहीं कर रही, तो मेल वो बंद करके नया बनाना शुरू करता है उसी ब्रीडिंग सीजन में फटाक से। कुछ मेल्स इतने एक्सपर्ट होते हैं बनाने में, जो एक्सपीरियंस है बड़े वाले, हाँ, वो एक साथ दो दो तीन तीन नेस्ट बनाते हैं। हाँ, और बहुत दफा ऐसे भी हो जाता है कि वो इतने एक्सपर्ट है कि तीनों में कोई ना कोई फीमेल सिलेक्ट हो जाती है। So that lucky male can sustain 3 families. तो उसका काम है तीनों नेस्ट पूरे करना, उसमें फिर तीनों फीमेल के साथ मेट करना, तीनों फीमेल अंडा देंगी, उसके अंदर बैठेगी, तो तीनों फीमेल को फीड भी करना। लकी है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दूसरे मतलब दूसरे बाया वीवर नहीं, कोई भी दूसरे बर्ड छोटे जो खुद का नेस्ट नहीं बनाए, उनको अच्छा लग जाए तो उनके उनमें आके अपना नेस्ट बना देते। मशरूम्स जो है वो भी फंगस में ही आते हैं,
और ये भी फंगस ही है, इसका नाम है ब्रैकेट फंगस। ठीक है, ये नीचे से आपको ये जो चेम्बर्स दिख रहा है ना, इनमें स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ये जब ड्राई हो जाते हैं तो स्पोर्स हवा में छूट जाते हैं, और जहाँ भी डेड ट्री दिखी, डेड मैटर दिखा, वहाँ पे सेटल होके वहाँ से अगले मानसून में बढ़ेंगे। मानसून में ही सिर्फ आते हैं, 4 महीने का इनका लाइफ है मानसून टू मानसून। और ये भी पॉइजनस है, इसे खा नहीं सकते, टच करे तो कुछ नहीं, खा नहीं सकते। ये वाइट वाइट दिख रहा है आपको, हाँ थुकले ऐसा वाटता ना गोंदर, यस दैट इज कॉल्ड स्पिट इंसेक्ट। ओके, वो सिक्रीशन करता है अपने आजू बाजू और उसके अंदर इंसेक्ट बैठ जाता है प्रोटेक्शन के लिए, स्पिट इंसेक्ट ही कहते हैं उसे। हाँ, और इसके अंदर ही अंडे देता है, और जब चलता है तो ये सब उसके साथ चलता है पूरा। हाँ, उसके अंदर इंसेक्ट है, हाँ वो खुद के प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया उसने। इंसेक्ट्स जो है ना, उनका ब्रीडिंग है वो बहुत फास्ट है, उनको खाने वाले भी बहुत लोग हैं, अगर वो ना होते तो इंसेक्ट को वर्ल्ड को टेक ओवर कर लेते, इतना उनका ब्रीडिंग का रेट हाई। इसलिए खुद को बचाने के लिए इंसेक्ट्स ने बहुत सारी टेक्निक्स निकाली है, तो दिस इज वन ऑफ द यूनिक टेक्निक्स। हरी पत्ती ले लीजिए, स्ट्राइड विद, ज्यादा चबाओ, ज्यादा यस, सो दिस इज कॉल्ड गुंज, मीठा पत्ती, हरा पत्ती, मुखवास में भी डालते हैं। हाँ यही यही उसका ही है, ये सुखा के डालते हैं। ये यहाँ क्यों है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट होस्ट प्लांट्स ऑफ बटरफ्लाई, जिसपे बटरफ्लाई अंडा देगी, ऐसे प्लांट्स है। तो गाइज ये मेन गेट है BNHS का। तो गाइज अभी हमारा खत्म हुई है, तो मैं ये देखो यहाँ पर एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका पीछे वाला बॉडी टूट गया है, मिलते हैं जो एब्डोमन है। खुदा हाफिज़।